16,35,000 विद्यार्थियों सर मिड डे मील मुहैया करवाने के लिए 456 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखना सर, ताकि साढ़े विद्यार्थियों मिड डे मील की सहायता प्रदान हो सके। इस तरह समग्र सिक्ख्या अभियान के तहत माननीय स्पीकर साहब 1,425 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव रखते हैं सर। प्राइमरी प्री प्राइमरी जमात के विद्यार्थियों को वर्दियां प्रदान करने के लिए 25 करोड़ रुपए, मुफ्त किताबा मरम्मत और रख रखाव प्रदान करने 90 करोड़ रुपए का सर मैं प्रस्ताव रखते हैं सर। इस तरह सर उचेरी सिक्ख्या यह हकीकत है कि जो तक उचेरी सिक्ख्या सर आधुनिक ढुकवी नहीं होंगी, साड़ियाँ उचेरी सिक्ख्या संस्थावां तो पास होने विद्यार्थी रुजगार के योग नहीं होंगे। इस ध्यान में रखते हुए सर वित्तीय साल 2023-24 दौरान राज वालों हेठ लिखी सर असी पहलकदमियां करने की साड़ी तजवीज़ आ। रोज़गार ते कोचिंग, रोज़गार दे लई कोचिंग सर मैं वित्तीय साल 2023-24 दौरान 2 नवीं स्कीमां प्रोफेशनल कोचिंग फॉर इंप्लायमेंट अते सर सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग की तजवीज़ रखदा हाँ सर। इसलिए ढुकवे बंद कर दिए जाएंगे। इन्हां स्कीमां दे तहत सरकारी कॉलेजों में समर्पित रोज़गार योग्यता कोचिंग सेंटर स्थापित करके विद्यार्थियों को पेशेवर लीहां दे ते सर कोचिंग जिहड़ी आ उह मुहैया करवाई जाएगी। इस तरह बुनियादी ढांचे लई बंद सर वित्तीय साल 2022-23 दौरान राज विच 11 सर नवे कॉलेजों की उसारी लई पहले ही 36 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं सर। राज के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और लाइब्रेरी की स्थापना लई सर 68 करोड़ रुपए के प्रस्ताव रखते हैं सर। माननीय स्पीकर साहब राष्ट्रीय उच्चतर सिक्ख्या अभियान के फेज़ 2 तहत राज सरकार गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर की अगवाई अधीन सर 70 करोड़ रुपए की लागत नाल क्वालिटी एक्सीलेंस बढ़ाने वित्तीय साल 2023-24 दौरान 6 केंद्रों की स्थापना कर रही है। मैं यह साझा करते खुशी हो रही है कि गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर, पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला, विदेशी यूनीवर्सिटियां, राष्ट्रीय महत्व वाली यूनीवर्सिटिया साझेदारी में एंटरप्रेन्योरशिप हब्स स्थापित हो रही हैं सर, जो कि समाजिक उद्योगिक तौर के उत्ते संबंधित रिसर्च प्रोजेक्ट्स और पेटेंट्स के प्रकाशन में मदद करेंगे। वित्तीय साल 2023-24 इस मंतव लई सर 116 करोड़ रुपए के बंड का प्रस्ताव है सर। इस तरह साड़ी सरकार सर राज दियां रवायती भाषावां की वरतों सहायता देने प्रोत्साहित करना जारी रखेगी सर। उर्दू अकैडमी मलेरकोटला दे मजबूतीकरण अते नवीनीकरण लई वित्तीय साल 2023-24 लई 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखदा हाँ सर। इस तरह तकनीकी सिक्ख्या, स्पीकर साहब मैं साड़ियां तकनीकी सिक्ख्या संस्थावां की तकनीकी समर्था में सुधारण लई वित्तीय साल 2023-24 में 615 करोड़ रुपए की वंड का प्रस्ताव करता हाँ, जो कि सर पिछले साल 2023-24 तो 6% सर वाधा। मैं भरोसा है कि अदारे सर काबल रोज़गार योग इंजीनियर तकनीशियन तैयार करेंगे। इस तरह साढ़े राज में खुशहाल बनने में मदद मिलेगी, क्योंकि तरक्की विकास लई लोड़ींदी तकनीक जिहड़ी आ सर तकनीकी महारत बहुत महत्वपूर्ण होंदी है सर। मैं अपनी सरकार नूं, मैं साड़ी सरकार नूं माननीय मुख्यमंत्री साहब नूं बधाई दिंदा हाँ सर कि 13 सालों के लंबे वक्फे तो बाद सरकारी बहुत तकनीकी कॉलेज लड़कियां रोपड़ जो कि सर 2009 तो बंद पिया सी उसनों मुड़ साल 2022 चालू कर दिता गया सर। और इस साल सर सरकार इस कॉलेज में वित्तीय साल 2023-24 तो कोएड कॉलेज वजों चलाउण दी जिहड़ी संभावना ते विचार कर रही है सर। मैनूं सर इह वी खुशी है कि इंस्ट्रक्टर की सिखलाई लई 10 करोड़ की लागत नाल लालड़ू विखे हलका डेरावासी के अंदर सर लालड़ू विखे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर की स्थापना की गई है सर। सो वित्तीय साल 2022-23 में 137 सरकारी उद्योगिक सिखलाई संस्थावां 28,607 विद्यार्थियों को दाखिल किया गया है सर। सरकार ने इन्हां विद्यार्थियों ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग मुहैया करवाने लई वख-वख उद्योगों जिवें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा गॉडरेज हीरो साइकिल और कई होर उद्योगिक इकाइयों के 236 सर MOU ते हस्ताक्षर सरकार ने किए हैं सर। इस तरह सर मौजूदा सरकार सर ITI के बुनियादी ढांचे ते मशीनरी उपकरण का नवीनीकरण ते नवीं इमारतों की उसारी लई नवीं ITI ते पॉलीटेक्निक कॉलेज नूं मुकम्मल करने लई वित्तीय साल 2023-24 में 63 करोड़ रुपए की वंड का प्रस्ताव मैं सर रखदांगा सर। इस वोकेशनल सिखलाई में सुधार ते अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रसार लई वित्तीय साल 2023-24 में 40 करोड़ रुपए के बजट खर्चे का प्रस्ताव रखदा हाँ सर। इस तरह माननीय स्पीकर साहब
खेडा युवा सेवावान खेडा युवा सेवावान के अंदर क्योंकि साडा फर्ज बनता स्पीकर साहब कि असी अनुशासित तंदुरुस्त आगुआ की पीढ़ी सृजन के लिए तंदुरुस्त आगुआ की पीढ़ी सृजन के लिए अपने नौजवानों खेडों वल वापस लियाइए। पंजाबी नौजवानों बख बख समाजिक गतिविधियों में शामिल करने सूबे में 14,500 तो वध यूथ क्लबों रीएक्टिवेट करने भी सर सहर यतन किए जा रहे हैं। इस दे नाल ही पंजाब नू देश का मोहरी सूबा बनाने के उद्देश नाल साडी सरकार विच एक नवी स्पोर्ट्स नीति तैयार कर रही है सर, एक नवी स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार कर रही है जो साडे खिडारियों नू राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर के मुकाबलों लिए तैयार करने विच मदद करेगी सर। और इसलिए सर मैं खेडां दे बुनियादी ढांचे नू मजबूत करन अते वख वख पहलकदमियां करन लई सर 258 करोड़ रुपए की वंड जिहड़ी वित्तीय साल 2023-24 की राखवी करन की तजवीज़ रखदा हां, जो कि वित्तीय साल 2022-23 दे नालों सर 55% का उहदे विच 55% का जिहड़ा एक वड्डा वाधा गा 258 करोड़ रुपए की वंड का तजवीज़ करदा ताकि साडे बच्चे जिहड़े ने उहनां नू अच्छियां खेडां दे दीन देशां विदेशां विच मल्लां मारन। माननीय स्पीकर साहब, साडी सरकार ने नौजवानों ते प्रतिभाशील खिडारियों के मनोबल नू वधाउण अते अपनी पहुँच नू बदलिया है, जिस दे शुरुआत जिहदी शुरुआत करदे हां ब्लाक पद्धर तों लैके राज पद्धर दे खेड टूरनामेंट यानी कि खेडा वतन पंजाब दियां 2022 का आयोजन किया गया सर। इन खेडों के अंदर 3 लाख खिडारियों ने भाग लिया, 9,961 जेतू खिडारियों लगभग 7 करोड़ रुपए के इनामी राशि जी तकसीम की गई सर। इस तरह साड़ी सरकार ने सर स्पीकर साहब साड़ी सरकार ने प्रस्टीजियस शहीद आजम सरदार भगत सिंह राज युवा पुरस्कार सर मुड़ सुरजीत किया। इस तहत सर हरेक जिले के अंदर 2 नौजवानों चुने जाएगा और उस जो चुने हुए नौजवानों एक मैडल 51,000 रुपए की राशि और एक सर्टिफिकेट का सम्मानित किया जाएगा। इस नाल सर यकीनी तौर पर एक जी सकारात्मक संदेश जरा सोसायटी के अंदर नौजवानों के अंदर जाएगा और नौजवानों खेडों लिए उत्साहित करेगा सर। इस तरह मानयोग स्पीकर साहब जिला पद्धर सब डिवीजन पद्धर से बहुमंतवी मल्टीपर्पज खेड स्टेडियम जो बनाए जा रहे हैं 46 करोड़ रुपए के 32 प्रोजेक्टों में सर 46 करोड़ रुपए के 32 प्रोजेक्टों में 33 करोड़ रुपए के 22 प्रोजेक्ट सर जो वह पूरे हो चुके हैं और बाकी देते जल्दी ही काम मुकम्मल हो जाएंगे। मैं वित्तीय साल 2023-24 खेडा खेड बुनियादी ढांचे के निर्माण अपग्रेडेशन मजबूतीकरण के लिए 35 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव रखता हाँ, जिस के नाल ही सर 10 खेड बुनियादी प्रोजेक्टों की शनाख्त की गई है और सर सारे जो पीपी मोड़ के उत्ते विकसित किए जाएंगे। इस तरह स्पीकर साहब 2022-23 वक् वक् कोचिंग सेंटर्स अकैडमीज और खेड विंगों में कोचिंग लैन वाले खिलाड़ियों लिए खेड साजो समान की खरीद की प्रक्रिया जी शुरू हो गई की गई है सर। मैं वित्तीय साल 2023-24 दौरान खेडों के समान की खरीद के लिए 3 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट की तजवीज़ रखता हाँ सर। माननीय स्पीकर साहब पटियाला सर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो विशेष खेत्र में खेड सिक्ख्या उत्साहित करने की उम्मीद है सर। मैं यूनिवर्सिटी लिए वित्तीय साल 2023-24 कैंपस के बुनियादी ढांचे और इसके कंस्टीट्यूएंट कॉलेजों के खर्चों संबंधित कामों के दूजे पड़ा के लिए 53 करोड़ रुपए के उबंध की तजवीज़ रखता हाँ सर। इस तरह मान जो स्पीकर साहब मैडिकल सिक्ख्या खोज पूरी दुनिया के अंदर म्यारी सेहत संभाल चंकी डॉक्टरी सिक्ख्या निर्भर करती है सर। जो मरीजों की सेवा इलाज करने समर्थ डॉक्टर नर्सा मैडिकल स्टाफ प्रदान करती है सर। मैं मैडिकल सिक्ख्या खोज लई वित्तीय साल 2023-24 1,015 करोड़ रुपए के बजटी उबंध का प्रस्ताव रखदा सर। मैनू सर यह भी दसते हुए खुशी हो रही है कि साहबजादा अजीत सिंह नगर विखे सर जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल सैंसस सरकारी मैडिकल कॉलेज खोलिया गया सर, उस 100-100 MBBS विद्यार्थियों ने 2 बैचों का दाखिला हो चुका सर और तीजे बैच का दाखिला वित्तीय साल 2023-24 होगा सर। इस तो अलावा सर मैडिकल संस्थानों में स्टाफ की घाट को पूरा करने 880 स्टाफ नर्सा पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है। इस ही सर सीनियर रेजिडेंस की नियुक्ति नवी नीति सर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 300 नीति तैयार की जा रही है और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 300 माहर डॉक्टर की नियुक्ति सर वो भी की गई है सर 300 माहर डॉक्टर की सर। दो नवे मेडिकल कॉलेज कपूरथला हुशियारपुर विखे 100 MBBS सीटा प्रति कॉलेज क्रमवार सर 422 करोड़ रुपए और 412 करोड़ रुपए की लागत स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हों के डिजाइन सर मंजूर कर दिए गए हैं, जल्द ही सर इन्हों काम जरा शुरू हो जाएगा सर। इस तरह सर कैंसर के मरीजों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर विखे 119 करोड़ रुपए की लागत के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट
ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਸਰ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਾਇਲਰੀ ਸੈਂਸਸ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰ PGI ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ PGI ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਾਇਲਰੀ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਰ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਜਿਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਐਡਵਾਂਸ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਰ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ ਮਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ 23-24 ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, PAU ਗੜਵਾਸੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰ ਮੈਂ 990 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰ ਦਰਸਾਈ ਦਿਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ 4,781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11% ਸਰ ਵਾਧਾ 11% ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,353 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫਿਸਰ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਪ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਬਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ 117 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 117 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 504 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸਰ 142 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ ਸਰ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਰ 10,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮੁਫਤ OPD ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰ ਲੈਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ CHC, SDH ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਸਰ 363 ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸਰ 470 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ MCH ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਸਰ
फगवाड़ा जगराओं विखे दो नवे एम सी एच हस्पताल का उद्घाटन पहले ही किया जा चुका। तीन नवे एम सी एच बिंगा जिमें कि एस डी एच नकोदर, एस डी एच खरड़ और एस डी एच बुढ़लाडा का निर्माण सर वो पूरा हो चुका है और इन्हों ही जल्दी ही इन्होंने जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। इस तो अलावा सर सरकार ने 43 करोड़ 43 करोड़ रुपए की लागत 7 नवे एम सी एच हस्पताल की स्थापना और 37 करोड़ की लागत 5 पुराने एम सी एच बिंगा अपग्रेड करने की प्रवानगी पहले दे दी है सर। इस मंतव लिए सर मैं वित्तीय साल 2023-24 16 करोड़ रुपए की वंड की तजवीज़ रखता हाँ सर। इस तरह महाजग स्पीकर साहब आयुष दयालपुर सोडियां, दयालपुर सोडियां साहबजादा अजीत सिंह नगर दुन्ने के सरपिंड मोगा, दुन्ने के मोगा विखे 50 बिस्तर वाले सर इंटैग्रेटर यूज हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। दुन्ने के मोगे वाला सर विखे जो सारी का काम पूरा मुकम्मल हो गया सर। इस तरह दयालपुर सोडियां साहबजादा अजीत सिंह नगर का निर्माण कार्य मुकम्मल होने सर नेड़े है और जल्दी जड़िया सेवावान शुरू होने की उम्मीद है। मैं इस मंतव लिए वित्तीय साल 2023-24 दौरान 18 करोड़ रुपए राखवे रखने की तजवीज़ करता हाँ सर। इस तरह माननीय स्पीकर साहब कैंसर, कैंसर ने साडे राज विच माननीय स्पीकर साहब कल भी गल हो रही थी, कैंसर ने साडे राज विच अणगिणत जिंदगियां अते परिवार तबाह किए हैं। मैनू याद आ, आप सारयां नू याद आ, एक रेल गड्डी जिहड़ी कि पंजाबियों नू बीकानेर लेके जांदी सी, बठिंडे तो चलती सी, उहनू लोक कैंसर की गड्डी का नाँ दे दिंदे सीगे। इह कैंसर हस्पताल लैके जांदी है, कैंसर एक्सप्रैस वर्गा भयानक नाँ दिता जांदा सी, माड़ा नाँ दिता जांदा सी। साडी सरकार ने सर पंजाब विच स्थित कैंसर के इलाज के बुनियादी ढांचे नू सहायता प्रदान करने लई वचनबद्ध है सर। समुचे राज विच एक मिशन के तौर के उत्ते ब्रैस्ट कैंसर अते सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी सर वड्डे पद्धर उत्ते। इसका मंतव इस भयानक बीमारी बारे शुरुआती पद्धर से सर पता करना है ता कि इसका इलाज जिहड़ा वो समय सिर और सफलतापूर्वक हो सके। इस तों अलावा मैं वित्तीय साल 2023-24 कीतियां जाण वाली कुछ तजवीज़त जिहड़ियां पहलकदमियां दी चर्चा जद सर मैं सदन दे आउंदे सामने रखनी चाहांगा। ड्रग प्रबंधन दे लई ड्रग प्रबंधन सहूलतां अते केंद्रां नूं चलाउण दे लई अपग्रेड करन दे लई 40 करोड़ रुपए, होमी पाबा कैंसर सेंटर विच पैट स्कैन स्पैक्स सी टी मशीनां की खरीद के लिए 17 करोड़ रुपए, क्योंकि जो ये स्कैन आ जाएंगे सर मशीन आ जाएंगे तो मैं समझना कैंसर का इलाज जो मुड़े रूप पहले ही बहुत थोड़ा आसान हो जूगा सर। और 24 घंटे एमरजेंसी रिस्पोंस सेवावान 61 करोड़ रुपए के उपबंध का प्रस्ताव सर मैं रखदा गा। इस तरह स्पीकर साहब रोज़गार सृजना हुनर विकास स्पीकर साहब मैं तो दरहाना चाहागा कि साड़ी सरकार ने पहले साल ही सर राज दे लगभग 26,797 नौजवान रुजगार मुहैया करवाया और 22,594 असामिया भरने पहले ही सर इश्तहार वो जारी किए जा चुके हैं। साडे छोटे भैन भरावान की सर एक चरकोनी मंग भी साड़ी सरकार वालों माध्यम साहब पूरी की जा रही है कि ठेके ते रखे एडहॉक और वर्क चार्ज मैन पावर रेगुलर करने की सर नीति जी मंजूरी दी गई है और जल्दी ही इस संबंधी प्रक्रिया सर पूरी हो जूगी। मैं वित्तीय साल 2023-24 रुजगार सृजन हुनर विकास लई सर 231 करोड़ रुपए के बजट की तजवीज़ रखता हाँ, जो कि वित्तीय साल के मुकाबले सर 36% सर पिछले साल के मुकाबले वाधा सर। इस तरह स्पीकर साहब हुनर विकास असी सारे इस गल्ल ते सहमत होवांगे कि सिखलाई नवे हुनर तकनीकों सीखण कैरियर की तरक्की नौजवानों लिए मौके उत्साहित करने का अवसर प्रदान करती है। उद्योगक हुनर के पाड़े को पूरा करने लिए सरकार ने वख-वख एजेंसियों नाल MOU ते साखर किए हैं, जो कि वित्तीय साल 2023-24 लगभग हजारा उम्मीदवारों को सिखलाई प्रदान करने में मदद करेंगे। इस तरह स्पीकर साहब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि वर्गिया सिखलाई और हुनर विकास लिए विभिन्न योजनावान लागू करने लिए वित्तीय साल 2023-24 161 करोड़ रुपए के उपबंध का प्रस्ताव रखता हाँ। मानयोग स्पीकर साहब वणज अते उद्योग मैं साडे मानयोग मुख्यमंत्री जी को बधाई दिंदा हाँ कि पिछले 11 महीनों के दौरान उन्होंने जतना सदका पंजाब लगभग 41,000 43 करोड़ रुपए के 2,295 नवे निवेश प्राप्त हुए हैं। उम्मीद की जाती है कि नवा निवेश आने वाला समय में लगभग 2.5 लाख नौजवानों की जी नौकरी के नवे रास्ते वो पंजाब के अंदर खुलेंगे। इस दे नाल ही मानयोग स्पीकर साहब प्रोग्रेसिव पंजाब इनवैसटर समिट जिहड़ा हुणे होया 1500 तो बाद डेलीगेट्स राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कारोबारियों वालों भरमा हुंगारा मिलिया जिन्होंने पंजाब इस सुनहरे भविख में
सर पूरी दिलचस्पी दिखाई। साड़ी सरकार ने वक्ख-वक्ख खेत्रां विच कानूनी ढांचा प्रोत्साहन प्रदान करदे दे साड़ी सरकार दे संकल्प नूं दोहराउण दे लई पांच नवीआं नीतियां उद्योग दे अंदर निवेश नूं वधाउण दे लई पांच नवीआं नीतियां जिहड़ियां असीं उह लै के आए हां। इंडस्ट्रियल नंबर वन इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डिवेलपमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डिवेलपमेंट पॉलिसी, पंजाब इलैक्ट्रीकल वहीकल पॉलिसी, लॉजिस्टिक एंड लॉजिस्टिक पार्कस पॉलिसी, वाटर टूरिज्म पॉलिसी एंड एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी। असी पांच नवीं पॉलिसियां लेके आए ताकि पंजाब के अंदर वड्डी पद्धर ते निवेश होवे और पंजाब की साडी जवानी नूं रोजगार के अवसर मिलन। मैं सर अगले पांच सालों में मजबूत निवेश आकर्षित करने ते वध तों वध रोजगार पैदा करने के उद्देश नाल व्यापक हिस्सेदारों के सलाह मशवरे के बाद एक नवी इंडस्ट्रियल अते बिजनेस डिवेलपमेंट पॉलिसी 2022 नूं मिति जारी आ 8 फरवरी 2023 नूं नोटिफाई किया गया। साडी सरकार ने सर एम एस एम ई नूं दे विकास नूं तेज करन लई 20 पेंडू उद्योगिक कलस्टर 20 पेंडू उद्योगिक कलस्टर 15 उद्योगिक पार्कां नूं विकसित करन दा सर इरादा रखदी आ अते राज विच स्पीकर साहब राज दे अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लई सर्वोत्तम माहौल प्रदान करन लई स्टार्टअप अते इनोवेशन ते भी सर असी जोर देवांगे। उच्च वित्ती प्रोत्साहन के उद्देश नाल सर थ्रस्ट सैक्टर की श्रेणी में इलैक्ट्रिक वहीकल समेत सर आटो कंपोनेंट्स का निर्माण, फिटनेस इक्विपमेंट समेत स्पोर्ट्स गुड्स, हैंड टूल्स इनकलूडिंग पावर टूल्स एंड मशीन टूल्स, एग्रीकल्चर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, पेपर वेस्ट पैकिंग यूनिट्स, शेडिंग बेस्ड मैनेजमेंट यूनिट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। इस अलावा पॉलिसी में सर फ्यूल वजो झोने की पराली की वरतों उत्साहित किया गया ताकि जी ये भी सानू काफ़ी मदद मिलेगी सर। इस अलावा स्पीकर साहब वित्तीय प्रोत्साहन साड़ी सरकार उद्योगों को सहयोग जारी रखेगी जिन्हों में वित्तीय साल 2023-24 3,752 करोड़ रुपए का उपबंध करने की तजवीज़ है सर। 3,752 करोड़ रुपए उद्योगों को सहयोग देने के लिए सर उपबंध किया गया जो कि वित्तीय साल 2022-23 के मुकाबले सर 19% का वड्डा वाधा है। सर मैं वित्तीय साल 2023-24 उद्योगिक इकाइयों कैपीटल सबसिडी वजों 75 करोड़ रुपए और इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट्स के लिए शुरुआती रकम जी 50 करोड़ रुपए के उपबंध का प्रस्ताव रखता हाँ सर। वित्तीय प्रोत्साहन के रूप के 895 करोड़ रुपए वख-वख उद्योगिक इकाइयों 100% सर इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन 26 उद्योगिक इकाइयों सर SGST की अदायगी 7 उद्योगिक इकाइयों सर वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिक वजो जरा प्रदान किए गए हैं सर। इस तरह सर स्टेट के अंदर स्थित उद्योगिक इकाइयों सर सबसिडी वाली बिजली की मुहैया करने सरकार वालों 2700 करोड़ रुपया मौजूदा साल दौरान 2700 करोड़ रुपए की रकम जी अदा की गई है और मैं वित्तीय साल 2023-24 लिए कुल 3133 करोड़ रुपए 3133 करोड़ रुपए के उपबंध का प्रस्ताव सर मैं रखता गा। इस तरह प्रशासनिक सुधार सर साड़ी सरकार का मंतव एक सुचजा शासन देना है, ई गवर्नेंस राही कुशल पारदर्शी पहुंचयोग प्रशासन लिए माहौल बनाने का काम पहला ही शुरू हो गया है। साड़ी सरकार ने राज भर में चल रहे 535 सेवा केंद्र राही 110 नवीं सेवावान शुरू की सर। फ्लैगशिप प्रोग्राम सरकार तुहाडे द्वार मानयोग CM साहब ने शुरू किया सरकार तुहाडे द्वार जिस विच नागरिक केंद्र सेवावान घर घर पहुँचाने के लिए आप सरकार लगातार सर कम कर रही है सर। स्टेट डाटा पॉलिसी अजिहे प्लेटफार्म के समर्थ बनाने लिए कार्यशील बनाया जा रहा है जिस नाल विभागों को उपलब्ध डाटा की अंतर कार्यशीलता बढ़ा के नागरिकों स्टेट के नागरिक बेहतर सेवावान प्रदान की जा सकनियां सर। सर वख-वख ई गवर्नेंस प्रोजेक्टों वित्तीय साल 2023-24 70 करोड़ रुपए के उपबंध का प्रस्ताव रखता हाँ जिस विच आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर लई अते ई गवर्नेंस प्रोजेक्टों लिए सर 40 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस तरह माननीय स्पीकर साहब खुराक सिविल सप्लाई और खपतकार मामलों के संबंध में अंदर सौनी के मंडीकरण सीजन 2022-23 दौरान साड़ी सरकार ने झोने की निर्विघन खरीद में यकीनी बनाने लिए सारे प्रबंध किए सर। सरकारी खरीद एजेंसियों ने पंजाब के सरकारी खरीद एजेंसियों ने 182.11 लख मीट्रिक टन
182.11 लाख मीट्रिक टन झोने की खरीद की 37,514 करोड़ रुपए का घट्टो घट समर्थन मुल लगभग 8 लाख किसानों के खाते के अंदर पारदर्शी ढंग जमा करवाया सर। सर साल 2022 साड़ी सरकार ने नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी सौ तेरह अधीन 1.48 करोड़ लाभपात्रियों 4.61 लाख मीट्रिक टन कणक मंडी आयोग सर आयोग लाभपात्री की पछाण करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यकीनी बनाया जा रहा सर कि जी योजना की और सिर्फ तो सिर्फ इस योजना का जोड़ा है लाभ वो गरीब तो लोड़वंद परिवारों को ही मिल सके सर। सर इस तरह साड़ी सरकार ने डिफाल्टर राइस मिलर के बकाए केसों का निपटारा करने वन टाइम सैटलमेंट योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस स्कीम राही मिल मालकों वालों घट ब्याज और घट वसूली योग रकम देने बंद पर मिलों मुड़ शुरू करने का मौका मिलेगा। अलाटमेंट प्रक्रिया में होर पारदर्शता लियाने सरकार अगली सौनी दे मंडीकरण सीजन से सर चौल मिलों मंडियों ऑनलाइन जोड़ा है सी, लिंक करने की योजना भी बना रही है सर। इस तरह सर माल पुनर्वास आपदा प्रबंधन साड़ी सरकार ने मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई हेठ कार्ज प्रणालियों में एफिशंसी ट्रांसपेरेंसी लियाने कई उपराले किए हैं सर। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जिमें कि सर ई स्टैंपिंग पुराने प्राइवेट पार्टीशन सुचारू बनाने एक वैबसाइट खसरा गिरदावरी ई गिरदावरी की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग राज दी रेवेन्यू अदालतों में ऑनलाइन रेवेन्यू कोर्ट सिस्टम जो इस तरह का सिस्टम है सर उन्होंने कदम असं चके ने। कुदरती आफता कारण दरपेश मुश्किलों के समय किसानों को निजमत सहायता दी गई सर। इस संबंध में फसलों पशुओं के नुकसान मकान आदि नुकसान लिए वित्तीय साल 2022-23 सर 125 करोड़ रुपए चिकित साहब 125 करोड़ रुपए का मुआवजा मुहैया करवाया जा चुका सर। साड़ी सरकार साढ़े नागरिकों भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शता यकीनी बनाने मालिया विभाग न संबंधित सेवाओं को मजबूत करना जारी रखेगी सर। मैं वित्तीय साल 2023-24 भी इस डिपार्टमेंट इस विभाग लिए 1,834 करोड़ रुपए तजवीज़ रखता हाँ सर 1,834 करोड़ रुपए मैं सर तजवीज़ रखता हाँ। इस तरह सर एन आर आई मामले साड़ी सरकार ने प्रवासी भारतीयों खुलदले नाल शामिल करन अते उन्हां नूं आमो सामने मिलने लई विलखण सर एक असी पहलकदमी की आ एन आर आई पंजाबियों नाल मिलनी प्रोग्राम नूं बहुत वड्डी सर सफलता साढ़े मिनिस्टर साहबान मिली आ। प्रवासी भारतीयों ने पहली बार महसूस किया सर कि पंजाब के अंदर एक प्रतख सरकार काम कर रही है जो उन्होंने समस्यावान के हल संजीदा की सर। मैं अजीम सदन दसना चाहता हाँ कि इन्होंने मिलनिया के सदके एन आर आई ने उन्होंने जमीन जिन्हों लोगों ने वे लोगों ने पोलीटिकल व्यक्तियों की सहायता के न या होरना व्यक्तियों की सहायता के जमीन से कब्जे किए गए वो कब्जे छुड़ाए गए हैं सर। मैं उदाहरण के तौर पर बड़ा केस सामने आया सी तुहाडे भी आया हो सारे भी आया सीगा उदाहरण के तौर पर सर जिला मोगा के पिंड रोडे की सफलता जी मैं मामला तुहाडे ते आ चला जिते 17.5 एकड़ जमीन जी एक यूके तो NRI सी उसकी वापस जी असी करवाई आ मतलब इस तरह के बहुत ही केस ने गए कि जमीन दब रही सी असी सारा कुछ छुड़ा रहे हैं सर। इस तरह साड़ी सरकार ने पंजाब सिक्ख्या ते सेहत फंड स्थापित करने का वादा किया सर। असी मैनू यह घोषणा करते खुशी हो रही है कि पंजाब सिक्ख्या ते सेहत फंड जिहड़ा फंड ट्रस्ट आ रजिस्टर हो गया गा भारत सरकार तो कानून के अनुसार अगलिया जो जरूरी मंजूरियां लिया जा रही है। मैनू विश्वास है सर कि वित्तीय साल 2023-24 में यह ट्रस्ट जिहड़ा वो क्रियाशील हो जाएगा और साढ़े जिहड़े NRI भरा भैन भरा ने अपनी मात भूमि लई अपने पेकियां लई दे विकास दे लई सर वो सीधा योगदान जिहड़ा वो आने वाले समय च पा सकणगे सर। इस तरह मानयोग स्पीकर साहब रक्षा सेवावां भलाई इस देश दे दी रक्षा और सुरक्षा विच पंजाब दे योगदान नूं भुलाया नहीं जा सकता। यह साडा कर्तव्य है कि असी कि अपने सैनिकां दे परिवारां दी देखभाल करिए जिन्हां ने इस महान देश की लड़ाई लड़ी और अपने प्राण तक त्याग दिते। मैं स्वदेश के लिए वित्तीय साल 2023-24 लिए 84 करोड़ रुपए की वंड की तजवीज़ असर रखदा हाँ क्योंकि जिस तरह साडी गरंटी सी साडा वादा सीगा कि जेकर साडा कोई भरा सरहद दे उत्ते या पंजाब दे अंदर किते भी देश की रक्षा करता शहादत का जाम पी जाता तो असं उसके लिए 1 करोड़ रुपया सहायता राशि देवे असं वास्ता वादा पूरा किया गया। सो असं बिल्कुल साढ़े सैनिक भरावान के नाल साढ़े वीरां दे नाल खड़े हाँ सर। साडियां
ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲੀਦਾਨ ਤੋਂ ਸਰ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਰ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ 2 ਗੈਲਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮਾਨ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ 2022-23 ਦੇ ਨਾਲੋਂ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਸਰ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ 9 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਬਾਰ ਸਰਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਿੰਡ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਪੁਨਰਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਰ। ਅਤੇ ਸਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਤਿਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰ 10,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰ 11% ਵਾਧਾ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ AGTF ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਰ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ AGTF ਨੇ ਸਰ 567 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, 156 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ 563 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 125 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਰ ਰੱਖਦਾਂਗਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਰ ਸਾਈਬਰ ਯੁੱਧ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ
अज दुनिया साइबर युद्ध साइबर क्राइम वर्गे नवे अते आधुनिक खतरियां का सामना कर रही है सर। साडी सरकार साइबर क्राइम सैटअप नूं आधुनिक करेगी अते इस दीआं समर्थावां नूं वधावेगी सर। मैं वित्तीय साल 2023-24 विच साइबर क्राइम लई नाल साइबर क्राइम नाल प्रभावशाली ढंग नाल निपटण दे लई उन्हां दी मदद करन दे लई 30 करोड़ रुपए दे फंड दी तजवीज़ करदा हाँ सर। इस तरह मानयोग स्पीकर साहब 2023-24 लई पुलिस लाइन पुलिस स्टेशन अते होर पुलिस दफ्तरां लई जमीन की खरीद कई जगह देते तो भी पता सारे पता कि जमीन पुलिस लाइन नहीं है दफ्तर लई जमीन की खरीद लई 33 करोड़ रुपए अते पुलिस कंपलैक्सा अते इमारतों के निर्माण के अते नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए की वंड की बैसर मैं तजवीज़ रखता हाँ सर। इस अलावा हुडको तो लाए कर्जे की अदायगी के लिए पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन की सहायता लई सर मैं वित्तीय साल 2023-24 लई 26 करोड़ रुपए की विशेष सहायता का प्रबंध असी इहदे च रखते हाँ सर। इस तों इलावा समाजिक भलाई अते समाजिक न्याय मानयोग स्पीकर साहब समाजिक भलाई प्रोग्राम अते नीतियां नूं जरूरतमंद व्यक्तियों अते परिवारों नूं आर्थिक अते समाजिक सहायता प्रदान करने लई डिजाइन किया गया है ताकि वह इज्जत की जिंदगी जी सकन सर। साडी सरकार विभिन्न भलाई योजनावां दा समर्थन करती रहेगी सर। मैं वित्तीय साल 2023-24 लई समाजिक भलाई अते समाजिक न्याय दे लई सर मैं 8,678 करोड़ रुपए के बजटी खर्चे की तजवीज़ रखता हाँ सर, जो कि सर 22-23 के नालों 17% का एक वड्डा वाधा सर इस बजट के अंदर किया गया सर। इस तरह समाजिक सुरक्षा पेनशन राज दे लगभग 31.59 लाख बुजुर्गों विधवावान अते बेसहारा बेआसरा औरतों अनाथ बच्चों अपाहजा व्यक्तियों प्रति महीना 1500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मैं दसना चाहाँगा कि जुलाई 2022 एक सर्वे किया गया सी जिस दे मुताबक वो सर्वे दे मुताबक सर 90,248 सर वड्डी फिगर आ 90,248 लाभपात्री सर मृतक पाए गए सन डेड पाए गए सन। सो उन्हां दे वारसां तो सर उन्हां 83,772 लाभपात्रियों के वारसां तो सर दिवासा तो 24 करोड़ रुपए की राशि जी वसूल की गई है। बाकी जी राशि रह गई है वह भी असी सर वसूली की प्रक्रिया के अधीन असी लगे हुए हैं सर। मैं 33.26 लाख लाभपात्रियों लाभ प्रदान करने के लिए वित्तीय साल 2023-24 के 5,650 करोड़ रुपए की वंड की तजवीज़ रखता हाँ सर, जो कि वित्तीय साल 2022-23 के मुकाबले 1,002 करोड़ रुपए और लगभग 22% का सर वाधा किया गया सर। इस तरह वित्तीय साल 2023-24 वख-वख होर भलाई स्कीम जिमें कि पोषण अभियान प्रधानमंत्री मातोर वंदना योजना एसेसिबल इंडिया कंपेन आदि सर 175 करोड़ रुपए के बजट का बंद करने की तजवीज़ है। इस तों इलावा औरतों को मुफ्त यात्रा की सहूलत प्रदान करने के लिए सर 497 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जाता सर। इस तों इलावा स्पीकर साहब वित्तीय साल 2023-24 दौरान पोस्ट मैट्रिक वजीफा योजना आशीर्वाद योजना प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ले 850 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव सर पेश किया जाता है। साड़ी सरकार सर स्पीकर साहब साड़ी सरकार अनुसूचित जातां पछड़े वर्गों घट गिणतियां अते समाज के सारे कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण निगरानी अते समुचे विकास के लिए प्रतिबद्ध है सर। मैं वित्तीय साल 2023-24 दौरान शेड्यूल कास्ट सब प्लान लई 13,878 करोड़ रुपए की सर मैं तजवीज़ रखता हाँ सर। इस तरह मानयोग स्पीकर साहब बुनियादी ढांचा प्रेरित किया गया है कि इस साल मुख्य फोकस सैक्टर के विवेकशील पूंजी खर्च द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास को तरजीह देना होगा सर। यह सच है कि कोई भी देश या खेतर लंबे समय में कार्यशील बुनियादी ढांचे के मजबूत नैटवर्क तो बिना सफल नहीं होया है। साड़ी सरकार ने आने वाले सालों में पूंजी खर्चे लिए एक रणनीति तैयार की है सर। राज के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के अपग्रेडेशन संबंधित अदारों में कुल सर 26,295 करोड़ के बनती तजवीज रखता सर 26,295 करोड़ की तजवीज रखता सर, जिड़ी कि पिछले 2022-23 के मुकाबले 13% वाधा। सड़कों पुल असं वित्तीय साल 2023-24 लई सड़कों पुलों इमारतों के निर्माण और रख रखाव का काम इस तरह जारी रखांगे सर। मैं वित्तीय साल 2022-23 के सौदे हरमाना 1,000
1495 करोड़ रुपए के मुकाबले सर 1495 करोड़ के मुकाबले बजट बंद बढ़ा के सर 3297 करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव रखता है सर, जो वित्तीय साल 2023-24 विच कीतियां जाने वाली कुछ हेठ लिखिया गतिविधियां शामिल होंगे सर। सड़कां पुलों के नवीनीकरण मानयोग स्पीकर साहब सड़कों के पुलों के नवीनीकरण निर्माण मरम्मत के लिए 1101 करोड़ रुपए का प्रबंध सर। सड़कों के पुलों के नवीनीकरण के लिए निर्माण मरम्मत के लिए 1101 करोड़ रुपए का प्रबंध। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 के तहत सर 1278 किलोमीटर लंबाई दी सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 600 करोड़ रुपया। इस तरह सर केंद्रीय सड़क वंड योजना तहत 454 किलोमीटर सड़कों को कवर करने वाले 190 करोड़ रुपए के बंद का प्रस्ताव रखता है सर। सो सर मैं वित्तीय साल 2023-24 माननीय स्पीकर साहब मैं वित्तीय साल 2023-24 दौरान 12,897 किलोमीटर लंबिया लिंक सड़क की मुरम्मत के लिए एक विशेष योजना एक विशेष प्रोग्राम चलाने की तजवीज रखता सर, जिसके अनुमानित खर्चा माननीय स्पीकर साहब 1992 करोड़ रुपए होगा। इन्ह सड़कों की मरम्मत माननीय स्पीकर साहब पिछले छह साल तो लंबित पई। इस तरह माननीय स्पीकर साहब 9947 एकड़ शामला जमीन नजायज कब्जे तो सर मुक्त करवाया जा चुका है। इस मुक्त करवाई जमीन की वरतों होने संबंधित ग्राम पंचायतों वालों पिंड विकास कार्यों और मालिया बढ़ाने सर वो कम आ सकेगी सर। इस तरह मानयोग स्पीकर साहब पेंडू खेतरां दे संपूर्ण ते व्यापक विकास से साढ़े वादे से अगे बढ़ते हुए मैं वित्तीय साल 2023-24 के लिए 3319 करोड़ रुपए अलाट करने का प्रस्ताव रखता हाँ, जो कि वित्तीय साल 2022-23 के मुकाबले सर 11% का वाधा किया गया गा। इस तरह सर मानयोग स्पीकर साहब स्मार्ट बलेज कंपेन अधीन 70,986 कामों में 68,825 काम 4092 करोड़ रुपए के निवेश पूरे किए जा चुके हैं। इस तो अलावा वित्तीय साल 2022-23 में सर 8.12 लाख परिवारों 285 लाख दिहाड़ियों रुजगार मुहैया करवाया गया है। वित्तीय साल 2023-24 दौरान पेंडू विकास लिए वख-वख स्कीमों की निम्नलिखित बंड का प्रस्ताव रखा जाता गा। मैं मैंबर सवारी के लिए 150 करोड़ रुपए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन के तहत 50 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 20 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए सर 80 करोड़ रुपए। इस अलावा जल सप्लाई सैनिटेशन साड़ी सरकार ने भूमिगत पानी तो सतह आधारित जल सप्लाई वाल जाने एक नीति अपनाई है सर। भारी तांता आर सैनिकों की मौजूदगी के नाल खराब पानी की गुणवत्ता वाले खेत्र पानी की घाट वाले खेत्र तरजीही सूची में सर 11,869 पिंड 146 ब्लाकों 20 जिले में 100% सैचुरेशन यकीनी बनाया गया है सर। 170 सरहदी पिंड 20,471 घरों सर आर सैनिक हटाने घरेलू प्योरीफाई दिए गए हैं सर। इस तरह स्पीकर साहब मैं जल सप्लाई सैनिटेशन के कामों के प्रोजेक्टों वास्ते वित्तीय साल 2023-24 1,987 करोड़ रुपए की वंड का प्रस्ताव रखता हाँ, जो कि वित्तीय साल 2022-23 के नालों 27% का सर एक वड्डा वाधा किया गया गया सर। इन्हां स्कीमां सर इस प्रकार होणगियां स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 400 करोड़, जल जीवन मिशन 200 करोड़, जल सप्लाई नाल संबंधित बुनियादी ढांचे की मुरम्मत और रख रखाव लई 20 करोड़, साहिबजादा अजीत सिंह नगर विखे 40 करोड़ रुपए के निवेश नाल जल पाबंदी उसारी सर। सर मानयोग स्पीकर साहब जल स्रोत साड़ी सरकार नहरी प्रणाली दे आखिरी सिरे तक पहुँचा यकीनी बना रही है सर। मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का सुपना गा कि नहरी पानी की 100% सप्लाई टेल एंड तक आखिरी सिरे तक यकीनी बनाई जाए सर। इस दिल सरकार जी काम कर रही है, नहरों की सफाई मजबूती का काम जंगी पद्धर से सर चल रहा है। मैं वित्तीय साल 2023-24 चल रहे कामों होर नवे प्रोजेक्टों के लिए चल रहे कामों होर नवे प्रोजेक्टों के लिए सर 2630 करोड़ रुपये की जर वित्तीय साल
जिहड़ा हैगा वित्तीय साल 2022-23 नालों 15% वध जिहड़ा हैगा खर्चे की तजवीज़ रखता हाँ सर। सर मैं इस अजीम सदन में यह भी दसण विच खुशी महसूस कर रहा हाँ कि किसानों की बड़े लंबे समय तो मंग सी कि फिरोजपुर ममदोट गुरु हर सहाय जलालाबाद फाजिलका सरहदी इलाकों के चमड़ा उद्योग का गंदा पानी सर चमड़ा उद्योग का गंदा पानी पूर्वी नहर सतलुज दरिया के पानी में डिगदा सी जिस कारण सर पानी पीण या सिंचाई के लिए वरतन के योग नहीं सीगा सर। जनवरी 2023 तो किसानों की इस मंग का विधिवत समाधान सर कर दिता गया गा और फीडर राही पानी पीण के साफ पानी की जो सप्लाई आरंभ हो गई है इसकी वरतों सिंचाई लिए भी की जा सकती है। इस तो अलावा नहर जो सिर्फ सौनी दौरान ही सर चलदिया होंदिया सी पहला वो हुण सारा साल सर चलदिया रहणगियां सर। इस तरह सर नहरी प्रबंधन सरहद फीडर राजस्थान फीडर की री रैनिंग सर जी रही री रैनिंग उन्होंने मुकम्मल करने के लिए जी करंबर 16 किलोमीटर 34 किलोमीटर की जी बाकी रही री रैनिंग पक्के करने का काम भी सर इस साल के दौरान पूरा हो जाऊगा। सर इस तो बिना लिफ्ट सिंचाई योजना श्री आनंदपुर साहब जिले में सिंचाई सहूलत प्रदान करने लिए 3 लिफ्ट सिंचाई कार्यों में सर एक मुकम्मल हो चुका सर दूजा सारी अधीन आ सर जो मार्च 2023 तक वो मुकम्मल होने की उम्मीद आ। सो मैं वित्तीय साल 2023-24 जो तीजा लिफ्ट सिंचाई का काम जो रह गया वो सर मैं 80 करोड़ रुपए के वंड का प्रस्ताव रखता हाँ सर। इस तरह मानयोग स्पीकर साहब डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम की कंक्रीट लाइनिंग जी है सर मैं वित्तीय साल 2023-24 अरनौली डिस्ट्रीब्यूटरी भवानीगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी खन्ना डिस्ट्रीब्यूटरी नवादा डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम की कंक्रीट लाइनिंग शुरू करने के लिए 309 करोड़ रुपए की वंडी सर मैं तजवीज़ रखता हाँ सर। इस तो अलावा सर वित्तीय साल 2023-24 नारायणगढ़ माइनर दे आधुनिकीकरण कंगनवाल डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम के मुड़ बसेबे आदि तजवीज़ का भी सर मैं प्रस्ताव सदन के सामने रखता सर। मैं मानयोग स्पीकर साहब स्थानक शहर शहरी विकास वाधे शहरीकरण की सामभ संभाल विश्व पद्धरी योजनाबद्ध शहर विकसित करने शहरी विकास अथार्टियां अपने अधिकार खेत्र अधीन नवे शहर के लिए अपनी योजनावां तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं सर। इस संबंध में मानयोग स्पीकर साहब गमाडा द्वारा 1600 एकड़ एक रहायशी व्यापारक उद्योगिक प्लांटां दे विकास लई साहिबजादा अजीत सिंह नगर विखे एक नवा अर्बन स्टेट सर विकसित किया जा रहा सर 1600 एकड़। इस तरह सर न्यू चंडीगढ़ सर 1000 एकड़ के खेत्र लो डेंसिटी वाली इको सिटी थ्री नामक सर अर्बन स्टेट स्थापित करने लिए जमीन सर हासिल करने का अमल जरा वह भी शुरू हो चुका है सर। इस अलावा मानयोग स्पीकर साहब साल 2023-24 ग्रेटर लुधियाना एरिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी द्वारा सोलह सौ एकड़ जमीन उत्ते लुधियाना एक अर्बन स्टेट स्थापित किया जाएगा और बठिंडा डिवेलपमेंट अथॉरिटी बठिंडा भी लगभग 200 एकड़ एक टाउनशिप जी विकसित मानयोग स्पीकर साहब की जा रही है सर। इस अलावा मानयोग स्पीकर साहब यह भी जिक्र होगा कि सरकार ने CLU कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेआउट और बिल्डिंग प्लान देने लिए विकास अथॉरिटियां पद्धर तक शक्तियों का विकेंद्रीकरण सर किया गया है प्रक्रिया सरल बनाने के लिए अजिहा एक होर कदम पुटते हुए इमारती योजनावां की प्रवानगी सर स्टैंड लोन इंडस्ट्री को मुकम्मलता सर्टिफिकेट देने का अधिकार सर डायरैक्टर फैक्ट्री जी सौंपया गया सर। इस तरह